वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का प्रमेय आज हम लोग देखेंगे। तो प्रमेय देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट प्रमेय जो है उसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो प्रमेय इम्पॉर्टेंट है जिसमें से 6.1 प्रमेय की इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 6.1 के अलावा 6.6 प्रमेय इम्पॉर्टेंट है, 6.8 प्रमेय इम्पॉर्टेंट है और 6.9 प्रमेय इम्पॉर्टेंट है। तो 6.1 प्रमेय जो है वो थेल्स प्रमेय है और 6.8 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो 6.1, 6.8 और 6.9, यही तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम में दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चारों प्रमेय में से कोई एक इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आएगा। ये पूरा 100% गारंटी है आपका। आप विश्वास नहीं होता है तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आप हमें एक बार याद कर लीजिए कि प्रेम सर बताए थे कि ये प्रमेय आया था, आएगा और ये आया है। प्रमेय 6 मार्क्स का आएगा जो 100% गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रमेय इम्पॉर्टेंट है 10.2, बट आपको ये चारों प्रमेय में से कोई एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आप इस बात का कन्फर्म रखिएगा। ठीक है, और मेरे विचार से 6.8 और 6.9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग 6.1 हमने पहले वीडियो में अपलोड कर चुका है बना करके, 6.6 भी बना, आज हम लोग 6.8 बनाते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये प्रमेय नहीं देखा आपने हमारे पीछे का तो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग 6.8 बनाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये 6.8 प्रमेय का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रमेय 6.1, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह 6.8 प्रमेय है। ठीक है, जिसे आज हम लोग बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रमेय, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है। सबसे पहले हम लोग प्रमेय में देखेंगे कि दिया हुआ प्रमेय 6.8 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ABC हमने बनाया जिसमें से ये कौन भी समकोण है। समकोण यह तभी कहलाएगा जब हम यहाँ पे इस तरह से देंगे, यह 90 डिग्री या समकोण कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कर्ण का वर्ग AC यहाँ पे कर्ण हो गया। ठीक है, AC कर्ण हो गया, ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया आधार। तो कर्ण का वर्ग तो कर्ण हो जाएगा AC स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बोला, तो इन दो भुजा यहाँ हो गया AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यह BC स्क्वायर। यह हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके लिए हमको एक रचना लेना होगा। रचना क्या लेना होगा, रचना में हमको लेना होगा DB लंब AC, DB लंब AC। तो DB देखिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यह हो गया रचना, इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ पे DB। यह 90 डिग्री इधर भी है और इधर भी 90 डिग्री है। तो यह हमको क्या करना है, एक रचना लेना है DB लंब AC। ठीक है, देखिए यह DB हो गया जो लंब है किस पर है, AC पर है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तीन त्रिभुज बन रहा है, ABC बन रहा है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए ABC, जिसमें से कौन भी क्या है 90 डिग्री। यहाँ एक और त्रिभुज बन रहा है ADB, यहाँ लिख दिए ADB, यहाँ D क्या है 90 डिग्री है, इसमें हम लोग किए हुए। इसके अलावा एक और त्रिभुज बन रहा है BDC, यहाँ पे लिख दिए BDC, D यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। मतलब ये तीन त्रिभुज बन रहा है, तीनों क्या है समकोण है। ये त्रिभुज हम यहाँ अलग अलग ले करके दिखा दें, आपको एग्जाम में यही त्रिभुज बनाना है, बस हम समझने के लिए ये त्रिभुज हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तब हम लोग प्रमाण में सबसे पहले हम लोग जाएंगे। यहाँ पे प्रमाण में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB, यहाँ लिखेंगे ADB में। तो ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, तो दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि यह कोण बी और कोण डी दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी और बराबर लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि ए और ए दोनों त्रिभुज में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज में क्या है, ए उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए और ये क्या उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा ए से एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC
समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी। अब जो दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो साइड होता है वो अनुपात में होता है। अनुपात में होता है मतलब यह त्रिभुज हम लोग ए डी बी में, अगर हम लोग ए डी इधर से लेते हैं, देखिएगा अच्छे से, यही चीज़ के लिए हम दोनों को अलग किए। अगर यहाँ से यह ए डी लिए हैं तो इधर से क्या लेना होगा, ए बी, जो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर से अगर हम लोग यह त्रिभुज से अगर ए बी लेते हैं, हम लोग इस त्रिभुज से क्या लिए, ए बी, मतलब ये कर्ण है, तो इधर का त्रिभुज का हम लोग को ए सी लेना होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा ए सी। देखिए हम ये दोनों त्रिभुज, इधर से अगर हम लोग ऊंचाई लेते हैं तो ये भी ऊंचाई लेना होगा, इधर कर्ण लेते हैं तो इधर भी कर्ण लेना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए बी और ए बी को गुना करेंगे तो क्या आ जाता है, ए बी स्क्वायर। इधर ए डी और ए सी को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए डी डॉट ए सी, और यह हो गया इक्वेशन वन। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज लेंगे, अब ए बी सी और डी बी यहाँ पे लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी डी सी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, तो ये दोनों में देखते कौन, यहाँ पे देखिए कौन बी और कौन डी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कौन बी बराबर कौन डी, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है कौन सी उभयनिष्ठ, लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, और यहाँ लिख सकते हम लोग उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कौन, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा अनुपात में होगा। अगर हम इधर से लेते हैं, इधर से सी डी लेते हैं यहाँ से, तो इधर से क्या लेना होगा, बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सी डी, और नीचे लिखना होगा बी सी। अगर हम इधर से, इसमें से अगर हम लोग यहाँ से बी सी लेते हैं, यह त्रिभुज बी सी लेते हैं, कर्ण है, इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, बी सी, तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी, तो इधर से हमको ए सी लेना होगा, यहाँ लिखेंगे बी सी बाय ए सी। अब देखिए बी सी और बी सी दोनों गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और ये दोनों गुना होगा तो लिखेंगे हम लोग सी डी इंटू ए सी, और यह हो गया इक्वेशन दो, ठीक है। अब इक्वेशन दो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक और दो को जोड़ते, देखिए ये एक हो गया और ये दो हो गया, तो इधर ए बी स्क्वायर और इधर बी सी स्क्वायर जोड़े तो आया ए बी स्क्वायर, और यहाँ का क्या था, बी सी स्क्वायर, इधर का जोड़ेंगे तो इधर क्या है, ए डी और डॉट ए सी, इधर का जोड़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है सी डी डॉट ए सी, देखिए यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी, तो दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते ए सी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए डी और प्लस हो जाएगा सी डी, तो यहाँ देखिए डी डी कॉमन है तो हट जाएगा, तो यहाँ ए सी बचेगा ए सी डॉट ए सी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ए सी स्क्वायर, और इधर क्या बच गया हमारा, ए बी स्क्वायर और प्लस हो गया बी सी स्क्वायर, तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था। देखिए ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव, और इसी के साथ यह प्रमेय कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यह बहुत ही इजी प्रमेय है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप मेरी बातों को मानिए और इस प्रमेय को आप अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। और फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला नेक्स्ट प्रमेय बनाएंगे 6.8, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।